जी ओम हेलो। प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो हेलो, जी प्रणाम, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही सर? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, मुझसे पूछ सकते हैं आप प्रश्न। बाबा जी, मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जी, और मेरी उम्र 30 साल है, तो मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसका कोई इलाज मिल सकता है ताकि मैं ठीक होने लगूँ धीरे धीरे। मैंने पढ़ाई भी कर रखी है, मतलब अच्छी, लेकिन उसके बाद मतलब जीवन मेरा ऐसा हो गया कि मतलब मैं ये क्या बताऊँ। थोड़ी काफी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन आप हाँ हौसला जी रखिए। जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं सर, लेकिन जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मस्कुलर। जी ये काफी प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, इसमें एज सच आपके बॉडी में कोई चीज वैसे नहीं दिखेंगे, आपका बीपी, शुगर, हार्ट, ब्रेन सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, लेकिन आपके मसल्स जो है धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि इससे हम काफ़ी हद तक उभर सकते हैं, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो ज़्यादा करें ही करें, बैठे बैठे किए जा सकते हैं। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मुसली, ये तीन चीज़ों का पाउडर लगातार 2-2 ग्राम खाते रहे। मैंने माने जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो गया मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, उसमें तो ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन जिनको सामान्य या मध्यम कोटि का ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग है, उनको जरूर लाभ मिलता है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ले, तीनों मिला करके 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम ले लें, और दूध में हल्दी थोड़ी सी मात्रा में, और शिलाजीत। अब सर्दियों के समय तो आप केसर भी ले सकते हैं, और थोड़ा मीठा प्रिय है तो आप ये मधु भी ले सकते हैं। तो दूध में आप जो है बादाम, रोगन या च्यवनप्राश या केसर, ये आपकी अष्ट धातुओं को पुष्ट करने वाले हैं, माने ये रसायन के तौर पर है। आंवला, एलोवेरा सुबह ले लें, और गिलोय का काढ़ा या गिलोय घनवटी 2-2 गोली, गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली सबसे अच्छी औषधि है, और बॉडी में किसी भी प्रकार का जो डिजनरेशन होता है उससे बचाने वाली, चाहे तो मसल्स में, चाहे बोन्स में, चाहे ब्लड में, कहीं पर भी लीवर, हार्ट, किडनी में कहीं पर भी डिजनरेशन हो रहा है उसको बचाने वाली इस अद्भुत चीज़ है। तो इसलिए गिलोय का काढ़ा है, गिलोय का रस भी हम देते हैं, तो गिलोय का रस या गिलोय आंवले का जूस, ये इस तरह से आप ले लिया करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। थोड़ा ये असाध्य रोग ज़रूर है, क्योंकि अभी तक हमको जिस रोग में सबसे ज़्यादा अभी काम करने की आवश्यकता है हमने देखा है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, लेकिन जितनी सफलता हमें मिली है उतना मैंने बताया कि मैंने 20-20, 25-25 वर्षों से इस रोग के रोगियों के ऊपर कार्य किया है प्रारंभ से ही, और ये देखा है कि इन चीज़ों से लाभ होता है, वो मैंने आपको बताई अब।